नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। पूरा देश इस समय एकमात्र चर्चा के बीच में फंसा हुआ है कि आखिर नीट का घोटाला है क्या और नीट के पेपर लीक मामले में इसका बिहार से कनेक्शन क्या है। इसे लेकर के आज बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कई बड़े खुलासे किए हैं और उन्होंने बताया है कि कैसे तेजस्वी यादव के पीएस यानी कि आप सचिव प्रीतम के कहने पर एनएचआई के गेस्ट हाउस को बुक कराया गया और उसमें सिकंदर यादवेंदु ने यहां पे गेस्ट हाउस बुक कराया, उसके नाम से गेस्ट हाउस बुक हुआ और यहीं अनुराग यादव को नाम के उस अभ्यर्थी को ला करके ठहराया गया जिसे 4 और 5 जून के दिन उसे पूरे का पूरा जो प्रश्न पत्र था वो प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया गया था और प्रश्न पत्र उपलब्ध करा करके उसने बाद में जो तमाम अलग अलग लोग थे उन सबके पास प्रश्न पत्र गए जिससे यह पूरा का पूरा जो नीट का पेपर लीक का कांड हुआ है और बड़ी संख्या में वैसे अभ्यर्थी जो अपनी मेहनत के बदौलत पास होना चाहते थे उनके उम्मीदों पर पानी फिर गया। दूसरी ओर जो घोटालेबाज हैं उन लोगों ने अपने जो पूरे का पूरा जो सांठगांठ किया उससे आज स्थिति है कि देश के लाखों नीट अभ्यर्थी की का जो भविष्य है वह असमंजस में पड़ा हुआ है। तो इस समय आप जो देख रहे हैं ये वही नी जो एनएचआई का गेस्ट हाउस है जिस एनएचआई के गेस्ट हाउस में यहाँ पे पूरा का पूरा जो नीट पेपर लीक का घोटाला हुआ इसमें जो किस प्रकार से लोगों को जो तमाम अभ्यर्थी थे उन लोगों को लाया गया तो ये वही है। आप देख सकते हैं ये पटना एयरपोर्ट के ठीक सामने ये एनएचआई का गेस्ट हाउस है। इस गेस्ट हाउस में उस दिन जो 4 और 5 जून था उस दिन इसे बुक कराया गया था और उसी दिन इसे पूरे के पूरे आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये पूरा का पूरा वही गेस्ट हाउस है जिसे उस दिन जो तमाम जो तेजस्वी यादव के जो पीएस हैं यानी कि आप्त सचिव हैं प्रीतम उनके बारे में बताया गया कि उनके ही आप्त सचिव ने यहाँ पे फ़ोन किया। फ़ोन एक बार नहीं, दो बार नहीं बल्कि 3-3 बार फ़ोन किए गए और 3 बार फ़ोन कर करके ये बताया गया कि आपको यहाँ पर एक कमरा बुक करना है, यह कमरा सिकंदर यादवेंदु नाम के शख्स के लिए बुक होना है। सिकंदर यादवेंदु के लिए यहाँ पे कमरे बुक कराए गए, बाद में सिकंदर यादवेंदु जो है उसके आर पर यहाँ पर अनुराग यादव नाम के जो अभ्यर्थी था वह अनुराग यादव इसी आकर के गेस्ट हाउस में यहाँ पर ठहरा था और उसके बाद ही उसे पेपर दिए गए। जो तमाम जो पेपर दिए गए वह पेपर वही पेपर थे जो नीट की परीक्षा में आने थे। लाखों अभ्यर्थी जिस पेपर को परीक्षा देनी थी उन तमाम लोगों को यहाँ पे ला करके ठहराया गया था और बाद में यहीं से वो घोटाला यानी कि पेपर लीक का जो पूरा का षड्यंत्र रचा गया वह इसी गेस्ट हाउस से रचा गया और इसमें जिस बड़ी भूमिका की बात कही जा रही है वह बड़ी भूमिका यहाँ पर तेजस्वी यादव के आप्त सचिव प्रीतम को लेकर के आज बिहार सरकार में जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये बड़े खुलासे किए हैं। तो दरअसल हम आपको बताएं कि इस बार जो नीट की परीक्षा हुई है वह नीट की परीक्षा कई प्रकार के विवादों में घिर गई है। नीट की परीक्षा में यह पहला मौका है जब जो पूरा का पूरा 100% मार्क्स लाने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या 1-2 नहीं बल्कि 67 है। स्थिति है कि देश भर में ये चर्चा का विषय बन गया कि आखिर कैसे वर्ष 2016 से लेकर के 2023 तक जहां जो टॉप अभ्यर्थी होते थे उनकी संख्या महज 1-2 होती थी वहीं आज स्थिति है कि उनकी संख्या 67 में आ गई। बाद में इसमें बड़े खुलासे यह भी हुए कि यह पूरा का पूरा जो नीट पेपर लीक का केंद्र बना वह बिहार बना रहा और बिहार में यही वो गेस्ट हाउस है जिस गेस्ट हाउस के सहारे यहाँ पे पूरे के पूरे पेपर लीक कांड को यहाँ पे अंजाम दिया गया और इसे लेकर के तमाम जो चीज़ें रहीं उसे लेकर के आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जो विजय कुमार सिन्हा हैं उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर कई प्रकार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सवाल किया है कि आखिर तेजस्वी यादव के आप्त सचिव ने किन कारणों से यहाँ पे अपने रिश्तेदार के लिए गेस्ट हाउस बुक कराया था, तो इसमें आखिर इनकी संलिप्तता क्या है। इतना ही नहीं जो तेजस्वी यादव के आप्त सचिव प्रीतम हैं और उनके जो रिश्तेदार सिकंदर यादवेंदु हैं उन्हें लेकर के यह भी खुलासा किया गया है कि इन्होंने जो पूरा का पूरा गेस्ट हाउस बुक कराया था उसमें नीट के प्रश्न पत्रों को लीक करने के लिए इसे केंद्र बनाया गया था और इसमें अभ्यर्थियों को ला करके वो ठहराए थे, वो उनके जो निकटस्थ अभ्यर्थी थे उन्हें ठहराया गया था और यहीं से पूरा का पूरा षड्यंत्र रच के देश के साथ एक तरीके से कहें तो बड़ा छल किया गया और करीब करीब देश में जो 24 लाख नीट अभ्यर्थी थे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रमुख केंद्र यही वह
गेस्ट हाउस है जो गेस्ट हाउस बना। तो बिहार में NHI का यह गेस्ट हाउस, NHI के गेस्ट हाउस इस बार नीट पेपर पर लीक होने का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। यहीं से तमाम चीज़ें हुई हैं और इसी को लेकर के आज चाहे विजय कुमार सिन्हा जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने खुलासे किए हैं, या फिर जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आज इसे लेकर के कई प्रकार के आरोप लगाए हैं। तो आप ये हमारे साथ देख रहे हैं कि कैसे इस गेस्ट हाउस के सहारे पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया, पूरा का पूरा खेल हुआ। और इस खेल में अब तक जो है जो EOU यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो बिहार की है उसने, आर्थिक अपराध इकाई ने जो अब तक यहाँ पर कार्रवाई की है, उस कार्रवाई में 14 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इन 14 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी में 4 तो ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने परीक्षा दी और उन्होंने पूरा का पूरा बताया कि कैसे उन्हें प्रश्न पत्र दिया गया, प्रश्न पत्र जो दिया गया उसे उन्हें रटाया गया, रटाए जाने के बाद जो अगले दिन परीक्षा हुई उस परीक्षा में जब उन्होंने प्रश्न पत्र देखा तो 100% वही प्रश्न था जो उन्हें देर रात रटाया गया था और बाद में उन्होंने परीक्षा दी। इस बीच पूरे देश में प्रश्न पत्रों के लीक होने को लेकर के अलग अलग कई किस्म की बातें सामने आई। तो ये पूरा का पूरा केंद्र जिस प्रश्न पत्र का केंद्र लीक करने का केंद्र बना वह केंद्र यही NHI का गेस्ट हाउस है और यही इसी NHI के गेस्ट हाउस में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आप्त सचिव प्रीतम के फोन कॉल के बाद वैसे जो घोटालेबाज थे उनके लिए यहाँ पे पूरा का पूरा गेस्ट हाउस बुक कराया गया था।